ममता की जरूरत नहीं है, ममता खुद आए थे हमारे पास गठबंधन के बाद, लेकिन हम खुद अकेला लड़ने के लिए काफी। अधीर बाबू जो बात कर रहे हैं ना, अगर उनका हिम्मत है ना तो दिल्ली में जाके उनका जो सुप्रीमो है सोनिया गांधी राहुल गांधी के सामने ये बात बोल रहे हैं। अधीर बाबू पश्चिम बंगाल में अपना अस्तित्व कायम रखने के लिए ये बड़ा बड़ा जो हिंदी सिनेमा का डायलॉग होता है वो डायलॉग मांगते हैं, बाकी सब कुछ मिला हुआ ही है, ये सारे जनता को मालूम है। जो डीएनए कांग्रेस में है वही सेम डीएनए तृणमूल में भी है, और छोड़ी का डीएनए बोलिए, कांग्रेस सारा भारत में चोरी किया है और टीएमसी ने वेस्ट बंगाल में चोरी किया है। अपीजमेंट पॉलिटिक्स तुषार मोदी का राजनीति कांग्रेस भी किए है, कर रहे हैं, ममता भी किए है। तो आप लोग का ये जो प्यार है ना, ये आज का प्यार नहीं है, ये बहुत सालों का प्यार है। तो बंगाल में आके ये बड़ा बड़ा डायलॉग बोलना ये जरूरत नहीं है, क्योंकि बंगाल के लोगों को मालूम चल गया है कि आप टीएमसी ममता बनर्जी यचूरी बाम से मिला हुआ है। दूसरा सवाल है मनोरंजन व्यापारी जो कि बोनागढ़ की विधायक है, पहले तो बहुत कुछ लिखे थे फेसबुक में, लेकिन आज उन्होंने सॉरी कहा अभी कैमरा के सामने और कह रहा है कि मैंने गलत शब्द का इस्तेमाल कर दिया, लेकिन मेरा लड़ाई जारी रहेगा। हाई कमांड क्या कहते हैं उसके ऊपर हम वेट कर रहे हैं, लेकिन अभी फिलहाल मैं अपना जगह पे नहीं जा सकता क्योंकि मेरे ऊपर थ्रेट है। जब सोचिए कि एक विधायक वो अपनी जगह पे नहीं जा सकते तो आज बंगाल के आम आदमी को क्या हालत है, और आज ये जो झगड़ा, ये जो लड़ाई, ये जो खून, ये सारे पैसा के लिए। हम आपके तरह साधारण नागरिक का जो पैसा, जो मनी, वो चोरी करके आज हिसाब का जो बकरा का लड़ाई है ये टीएमसी वाले कर रहे हैं। ये मनोरंजन बाबू को मालूम नहीं था, ये सब कुछ सबको मालूम है। अगर उनको इतना ब्लड खून गर्म हो गया था तो ये कर लेते ना, रिजाइन कर दे, अब विधायक पद से रिजाइन कर दीजिए कि ऐसा चोरों का पार्टी में हम काम नहीं करेंगे, बोल दीजिए। लेकिन आप बोल नहीं पाएंगे क्योंकि आपका जो आप इतने बहुत अच्छे हैं, आपका राइटअप हम पढ़े हैं, और एक टाइम में आपका मुख्यमंत्री आपको लेकर गर्व किए थे, बोले थे आप गर्व है, गर्व करते हैं, आप तृणमूल पार्टी में है। लेकिन आज आपका हिम्मत होना चाहिए था कि आप अगर आपका इतना असुविधा है तृणमूल पार्टी ने और आपको ये रियलाइजेशन है कि वो चोरों का पार्टी है, आप विधायकों के आपका पार्टी ऑफिस भांगचूर कर रहे हैं, आप अपने इलाका में घुस नहीं पा रहे, उसके बाद भी आप आपका आप फॉरगिवनेस क्षमा मांग रहे हैं, ये तो लज्जा की बात है। तीसरे सवाल ये है कि पूरा देश में राम मंदिर को लेकर उत्सुकता दिखा जा रहा है, मान लीजिए बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हर जगह पे जगह जगह स्ट्रीट कॉर्नर हो रहा है, प्रचार हो रहा है, पश्चिम बंगाल में ऐसा प्रचार होते नहीं दिख रहा है, क्या बीजेपी लोकसभा इलेक्शन को लेके ज्यादा बिजी है राम मंदिर से? पश्चिम बंगाल में भी ये प्रचार हो रहा है और ये प्रचार भाजपा जितना कर रहे हैं उतना इससे ज्यादा जो संगठन जो है, जो ये काम करने के लिए जो है वो सारे संगठन ये सब काम कर रहे हैं। ज़्यादा दिखावा ये ममता सरकार की तरह हम लोग नहीं करते हैं। आज जो अक्षत है, जो चावल है अयोध्या का, वो घर घर जाके हर एक कार्यकर्ता, हर एक कर्मी, हर एक हिंदुत्ववादी, ये हर एक सनातनी हिंदू घर घर जाकर ये चावल दे रहे हैं, राम का छवि दे रहे हैं, सब कुछ काम हो रहे हैं, आप लोग चिंता मत कीजिए। और 22 तारीख सारा पश्चिम बंगाल में हर एक मंदिर में और राम मंदिर में और हर एक मंदिर में पूजा होगा, हमारे भक्तों का खिलाना होगा, सारे कुछ होगा। ठीक है, थैंक यू।